कहते हैं कि मुंबई में अच्छी प्रॉपर्टी सब्जी से भी ज्यादा तेजी से बिकती है, और अगर ये प्रॉपर्टी समुन्द्र के किनारे है तो इसे खरीदने के लिए खरीदारों का मजमा लग जाता है। लेकिन ये मुंबई के जुहू एरिया की 7वीं मंजिल पर बना आलिशान फ्लैट अपने खरीदार को तरस रहा है, और इसकी सिर्फ इकलौती वजह है परवीन बाबी, जिनकी लाश इस फ्लैट में 3 दिन तक सड़ती रही। 20 जनवरी साल 2005 को इसी फ्लैट में परवीन बाबी ने बेड पर पड़े हुए अपना दम तोड़ दिया था। वक्त की रफ्तार से भागती मुंबई में कोई उनकी चीख तक नहीं सुन पाया। अब ये फ्लैट बिकने जा रहा है, लेकिन इसके लिए कोई भी खरीदार नहीं मिल रहा। मुंबई में ऐसी प्रॉपर्टी हाथों हाथ बिक जाती है। समुंदर के किनारे बने परवीन बाबी के फ्लैट को लोग लेने से हिचकिचाते हैं। ना तो इसका खरीदार मिल रहा है और ना ही इसे कोई रेंट पर लेने को तैयार है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र का कहना है, ये फ्लैट ना सिर्फ बेचने के लिए है बल्कि किराए के लिए भी उपलब्ध है। इसे 15 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है। अगर ये किसी को किराए पर लेना है तो हर महीने 4 लाख रुपए का रेंट देना होगा। बिल्डिंग की लॉबी में नेम प्लेट पर आज भी परवीन बाबी का नाम है, जबकि दूसरी ओर फ्लैट के दरवाजे पर परवीन बाबी चैरिटेबल ट्रस्ट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये फ्लैट खाली पड़ा हुआ था। साल 2014 से इस फ्लैट में एक किराएदार रह रहा था, लेकिन जब उस पर कमर्शियल उद्देश्य के लिए फ्लैट का यूज करने का आरोप लगा तो वो मुश्किल में पड़ गया। वो फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ रह रहा था, लेकिन उसे तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहा गया। सूत्र ने खुलासा किया कि जो लोग ये फ्लैट देखने आते हैं वो या तो इस बात से अनजान होते हैं कि उन्हें परवीन बाबी के फ्लैट में लाया जा रहा है, या तो फिर जब उन्हें इसका एहसास होता है तो उन्हें अजीब लगने लगता है। इस फ्लैट को बेचने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ना ही इसे कोई रेंट पर लेने को तैयार है और ना ही इससे कोई खरीदार मिल रहा है। वेल, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए, और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।